अब देख सकते हैं बैरिंग निकल गया है, 6601 नंबर के बैरिंग है और एक 62। ये जो क्वाइल है अंदर का, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को सीखने को मिलेगा कि सीलिंग फैन की बैरिंग कैसे चेंज किया जाता है। कभी भी अगर आपका सीलिंग फैन जाम हो जाए, उसकी बैरिंग खराब हो जाए, तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, ये सारे चीज सारे प्रक्रिया इस वीडियो में आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहाँ पे देखिए सीलिंग फैन है, इस सीलिंग फैन को हम पहले से खोल दिए हैं ताकि टाइम थोड़ा सा आप लोग का बच जाए, कम समय में ज्यादा काम सीख लें, इसलिए हम इसको पहले से खोल दिए हैं। यहाँ कनेक्शन की बात रहा, तो आप लोग कभी भी सीलिंग फैन खोल रहे हैं तो आप लोग देखिए इसमें मेन में कौन सा जुड़ा है, एक रेड है और इसका एक पीला कलर यानी एक येलो कलर है, ठीक है। ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इस तार का ध्यान देना, देखिए यहाँ सॉफ्ट में कट लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा तार पहले जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। आराम से इसको अंदर कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, इस सीलिंग फैन को खोलेंगे तार कट जाएगा, ठीक। इसको देखिए कितना आराम से बाहर हो गया, देख रहे हैं आराम से बाहर हो गया। नट को साइड करते हैं, देखिए ये सीलिंग फैन में क्या हुआ है, जो भी कस्टमर है ये सीलिंग फैन जाम हुआ है, जब जाम हुआ है तो उन्होंने क्या किया है, जबरदस्ती इसको चला दिया, उससे क्या होता है, देखिए ये जो क्वाइल है अंदर का, ये सारे काले पड़ गए हैं, सारे हीट हो गया है, और ये जो बुरादा देख रहे हैं, सीलिंग फैन भरने से पहले यहाँ पे पेपर लगाया जाता है, ये पेपर जो है जल के टूट के राख हो चुके हैं, देख सकते हैं धुआं धुआं हो चुका है, फिर भी ये फैन चलेगा। सबसे पहले हम स्टेटर निकालते हैं और रोटर निकाल देंगे। अब इस बैरिंग को निकालना है तो इस पुलर से इस्तेमाल करके इसको बैरिंग को निकालना है। बैरिंग कैसे निकाला जाता है वो भी देख लीजिएगा। देखिए पहले इधर अंदर डाल देंगे, उसके बाद इसकी पत्ती डालेंगे इसके अंदर, उसके बाद इसमें इसकी नट डालेंगे, देखिए ठीक है। अब जो है इसको टाइट करेंगे, आपके पास पिलास है तो पिलास से टाइट कीजिए और चाबी है तो चाबी से टाइट कीजिए, देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं बैरिंग निकल गया है, देख सकते हैं बैरिंग काफी खराब हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बैरिंग खराब होने से क्या हुआ है, घिस गया पूरा, देख सकते हैं एक तरफ से ऊपर वाला बैरिंग निकलता है, एक तरफ से नीचे वाला, तो नीचे वाला निकल गया है तो अब ऊपर वाला निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। नट को टाइट करना है, फिर क्या करना है, पत्ती को डाल देना है इसके अंदर, देखिए दूसरा वाला भी बैरिंग निकल गया है, देखिए दोनों का बैरिंग निकल गया, एक इसमें और एक इसमें, इसमें लगता है 6602 नंबर का बैरिंग, इसमें लगता है 6601 नंबर का बैरिंग। सबसे पहले इसको साफ करेंगे अच्छे से, अभी देखिए दोनों को साफ कर लिए हैं, अब इसमें लगाते हैं बैरिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे पास 6601 नंबर के बैरिंग है और एक 6602 नंबर की बैरिंग है, इसमें लगेगा 6601, इसमें लगेगा 6602। सबसे पहले क्या करते हैं 6601 लगाते हैं, और इस बैरिंग को क्या करेंगे, पुराना वाला बैरिंग इसके ऊपर रख लेंगे और इसको क्या करेंगे हथौड़ी से मारेंगे, देखिए देखिए इस तरीके से बैरिंग बराबर हो गया, लग गया एक बैरिंग लग गया। अब दूसरा का लगाते हैं, दूसरा देखिए 6602 है, देख सकते हैं, इसको इसमें लगाएंगे,
इसको भी क्या करना है, जो 6202 निकाले थे इसके ऊपर रख लेना इस तरीके से, ठीक। उसके बाद इसे आराम आराम से देखिए इस तरीके से ये भी लग गया, दोनों बैरिंग लग गए हैं, मस्त बैठ गया है। अगर आपके घर में अगर फैन जाम हो जाता है, अगर जबरदस्ती चलाते हैं, तो इसी तरीके से हालात हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, इस फैन को जल गया है। तो जलने से बचाना है तो थोड़ा भी अगर जाम हो तो उसको बैरिंग चेंज करा लीजिए, नहीं तो सर्विसिंग करा लीजिए। फटाफट फिट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रूटर को फिट करना है इस तरीके से, बराबर तरीके से रूटर को एकदम मस्त तरीके से फिट कर लेना है। देखिए अभी फिट हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेटर को इसमें डाल देंगे, ठीक है। इस वायर को ध्यान रखते हुए फिर ऊपर की कवर रखेंगे। कवर रख के इसको आराम से दबाना है। देखिए इसको देख सकते हैं, अभी इसको फिट कर दिए हैं। क्या करते हैं, कंडेंसर वाला इसका कैप लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इस सारे तार को बाहर निकालते हैं, पहले जो निकला होगा वही निकलेगा। इस तरीके से बारी बारी से, ये रेड वाला तार अलग था, बाकी दो तार में हमें कंडेंसर लगाना है। बाकी दो तार में कंडेंसर लगाना है, लग चुका कंडेंसर। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। ये रेड वाला तार अलग था तो इसको क्या करेंगे, अलग लगाएंगे। सबसे ऊपर था ना, सबसे ऊपर इसको लगाना है, ठीक। सबसे नीचे कौन सा लगा था, पीला कलर। सबसे पहले क्या करेंगे, रेड वाला लगाएंगे, रेड वाले के बाद पीला कलर लगाएंगे, ठीक। उसके बाद बीच में कौन सा लगा था, ब्लू कलर वाला। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें इस फैन को चेक करने के लिए एक तार लगाएंगे, ताकि ये फैन चेक हो जाए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब चलिए इसको चेक करके देखते हैं फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देख सकते हैं फैन चल रहा है। देखिए फैन चलना शुरू हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने घर पर रह के अपने सीलिंग फैन की बैरिंग चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी ध्यान देंगे, अपने जो भी पैसा लगने वाला है वो बच सकता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।